मथुरा के थाना जमुनापुर में बीती रात मिट्टी का अवैध खनन करते हुए तीन ट्रैक्टर पकड़े गए। थाना जमुनापुर क्षेत्र के खादर में अवैध मिट्टी का खनन चल रहा था। इस दौरान खनन माफिया वाहन छोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो गए, तो वहीं पुलिस ने खनन करने वाले तीन ट्रैक्टर सहित एक मिट्टी की खुदाई करने वाली मशीन को भी जब्त किया है। अवैध खनन के आरोप में वाहनों को पकड़ा गया है, जो थाना के आवश्यक कार्यवाही के लिए लाया गया है। अब इस संबंध में हम भी जांच कर रहे हैं और संबंधित विभाग से भी जांच करवा के यदि अवैध खनन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जाँच चल रही है। पता चला कहाँ से पड़े, कुल कितने वाहन पकड़े? पार क्षेत्र से ही खनन की है और दो ट्रैक्टर और एक कोई पट्टे वाली मशीन जो होती है उसको बताया गया कि पकड़ा गया। जाँच चल रही है। जाँच अभी चल रही है और जैसी होगी वही कार्रवाई की। मथुरा में कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके कारण गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही हैं। श्री धाम वृंदावन के गौरी गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में निःशुल्क राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आटा, दाल, चावल, मसाले, नमक, तेल, साबुन, सर्फ आदि सामान दिया जा रहा है। लगभग 1000 लोगों की व्यवस्था है। कभी रोज अभी निरंतर हर दिन बढ़ रहा है ज़रूरतमंदों को। झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर भी देने का प्रयास है और हर रोज़ 100 लोगों को, इसी दिन 200 लोगों को, टोटल 1000 लोगों को राशन बांटने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कुछ झुग्गी झोपड़ी कुछ यहाँ से इस प्रकार, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1000 लोगों की सेवा इस प्रकार से की जा रही है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की ओर से ये सेवाएं चल रही हैं और आगे ठाकुर जी चाहेंगे निरंतर ये चलती रहेंगी। मथुरा अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई कई दर्जनों लोगों की मौत के बाद यूपी सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। मथुरा में आए कमिश्नर आईजी ने शराब की दुकानों की चेकिंग की, जहां डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी, एसडीएम और आबकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा जो मंडल स्तरीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा दुकानों की चेकिंग की जा रही है। अलीगढ़ को जो घटना हुई उसके बाद देखते हुए दुकानों को, सभी दुकानों का अटेंडम चेकिंग की जा रही है। क्या कुछ पाया गया है? अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई है इसको कोई संदिग्ध हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो। मथुरा दौरे पर आए आगरा मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता और पुलिस महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा ने सायकाल में बिहारी जी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया, तो वहीं प्रभु श्री बिहारी जी के दर्शन कर कमिश्नर और आईजी भावभोर उठे। कमिश्नर अमित गुप्ता ने कहा कि कोरोना के प्रति हमें अभी बहुत सचेत रहना होगा। जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल किट वितरण के साथ साथ सफाई आदि कार्य पर विशेष ध्यान जारी रखने को कहा। हमने और आईजी साहब ने आज मथुरा में कई जगह का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया मथुरा जंक्शन का, जहाँ जो यात्री आ रहे हैं उनकी कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था का निरीक्षण किया और ये निर्देश दिए कि यथासंभव अधिक से अधिक यात्रियों के टेस्ट कराए जाएँ, जिससे जो बाहर से आने वाले यात्री हैं अगर उनमें कोविड है तो उनकी पहचान हो सके और जनपद में केस ना बढ़े उनकी वजह से। इसके अलावा फिर हमने शराब की दुकानों का, जो आबकारी की अनुज्ञापियों की कुछ दुकानों का निरीक्षण किया। जैसा भी आप अवगत हैं कि वर्तमान में अभियान चल रहा है, लगातार कुछ घटनाएं हुई हैं, तो उसी के दृष्टिगत सजगता के लिए सबसे पहले तो हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं पब्लिक के लिए कि उनको ये आइडिया हो कि एकदम से लॉकडाउन या अनलॉकडाउन का ऐसा ना हो कि बहुत भीड़ आ जाए। अभी भी वो सुरक्षा की जो स्वयं की जिम्मेदारी है वो हम लोगों को निभानी है। एक ये हम पब्लिक में लगातार अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि इस तरह का ना करें। कुछ हम पोस्टर्स, बैनर्स, पैम्पलेट भी छपवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे पुलिस की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अनाउंसमेंट सिस्टम कई जगह रखें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार अनाउंस कर रहे हैं। तो पहला पोर्शन समझाने वाला है, दूसरा एनफोर्समेंट का है कि यदि वो नहीं मानते हैं और आते हैं तो फिर उनको कैसे रेगुलराइज करना है। यूपी के रायबरेली में अभी 10 दिन पहले बनी सड़क धसने से भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ये वही सड़क है जिसका अभी कुछ दिनों पहले राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश की शादी से पहले दिन रात कटके से तैयार किया गया था। अब चंद दिनों में ही नवनिर्मित डामर रोड धस गई, जिसके चलते ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, मगर मानक के विपरीत बन रही डामर रोड सरकार की छवि पर लगातार उंगली उठाती नजर आ रही है। अरे रोड की कमी से उल्टा हुआ है, रोड बैठ गया। अच्छा, आप लोगों को कब जानकारी हुई? ये 5 बजे सुबह के टाइम है। हाँ, सुबह के टाइम। हम तो गाड़ी में बैठे थे, कंडक्टर हैं, बगल में गाड़ी खड़ी थी बाएं साइड, दाहिने से हम लोग निकल रहे थे। गाड़ी निकलने के एकदम बराबर जगह थी,
हम लोग गाड़ी निकाल रहे थे, अचानक से आगे वाला टायर निकल गया, उसके बाद पीछे के पूरे टायर धंसते चले गए रोड फटने की वजह से। साइड में गाड़ी खड़ी थी, हाँ हाँ, तो रोडे में थे, रोड के नीचे नहीं उतारा, हाँ हाँ, रोड फट गई। अच्छा, ये हादसा रोड के फटने से हुई है? हाँ, तो जेसीबी चली थी, ज्यादा माल नहीं भरा इसमें, हाँ हाँ, दब गई, रोड ही फट गई, डामर रोड फट गई। अच्छा, तो आप इस दुर्घटना को रोड के फटने के कारण मान रहे हैं? रायबरेली में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी द्वारा एक ही सीट से दो चुनाव चिन्ह लेने का मामला सामने आया है। हरचंदपुर प्रथम से प्रत्याशी वंदना अवस्थी चुनाव जीत गई है, तो इन क्षेत्र के ही मनीष कुमार श्रीवास्तव ने पीएम को एक प्रार्थना पत्र लिखते हुए आरोप लगाया है कि वंदना अवस्थी ने हरचंदपुर प्रथम से दो नामांकन किए हैं और दो चुनाव चिन्ह भी लिए हैं। हमारे यहाँ हरचंदपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रथम बीडीसी का जो चुनाव हुआ था, उसमें एक ही प्रत्याशी वंदना अवस्थी ने दो चुनाव चिन्ह नामांकन करा करके दो चुनाव चिन्ह उन्होंने आवंटित करा लिए और दोनों पे वो चुनाव लड़ी। एक चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव हार जाती हैं और दूसरे चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव जीत कर परिणाम घोषित करा लेती हैं। इसकी सूचना मतगणना होते समय मैंने मतगणना अधिकारी को दी और वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर AK आज़ाद को मैंने दी, तो उनका वहाँ पर कोई उन्होंने आपत्ति प्रार्थना पत्र नहीं लिया और उन्होंने कहा कि जो हो गया वो हो गया। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के लखूपुरा गांव में युवक की शराब पिलाकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। देर रात घर में ही युवक की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान युवक घर पर अकेला था, तो वहीं फिलहाल घटना की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पे राजीव बैठे थे, राजीव, हाँ हाँ, जिसने वहाँ पे घड़ी के बाद मैं देख के, मेरे को देख के एकदम भाग गए यहाँ से, हाँ, ये चली गई, मैं चली गई थी। और भी कुछ था उनके हाथ में? कुछ नहीं था। और जो घटना हुई है उनका नाम क्या है? धीरेन्द्र। अयोध्या में देश भर में कोरोना महामारी से मरे लोगों को मौन रख सर्वधर्म श्रद्धांजलि दी गई। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने साथ मिलकर श्रद्धांजलि दी है, तो वहीं सिख समाज से ज्ञानी जसवंत सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। सत्यधाम मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में कोरोना से मरे लोगों के लिए मौन रखा गया। हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं जो इस कोरोना महामारी में काल कौलित मृत्यु उनकी हो गई है, उनके लिए प्रार्थना किए हैं कि उनको शांति मिले और श्रद्धांजलि जो देना चाहिए था उसको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। साथ ही साथ उनके परिवार जो आज दुखी हैं, जिन लोगों ने अपने शरीर को त्याग दिया है, उन परिवारों को आत्मबल मिले और उनको सुख शांति मिले। आज जो हमने मौन रखा है इस पर हमारे देखिए ज्ञानी जी बैठे हुए हैं, जन्म भूम पुजारी जी बैठे हुए हैं, कल की राम महाराज जी बैठे हुए हैं, इनको सभी लोगों को, हम लोगों को इस बात का दुख है कि जो इस महामारी में लोग नहीं रहे और सब लोगों ने अपने अपने धर्म अपने मजहब के हिसाब से जो है भगवान से एक प्रार्थना किया, अल्लाह से प्रार्थना किया है कि इन लोगों को ये स्वर्ग में जगह मिले। हमें चाहते हैं कि इस महामारी को देखते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने देवी देवता को हम लोग मनाए हैं कि इनको स्वर्ग में जगह मिले। बिजनौर में चांदपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने दो चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक चाकू बरामद किया है। चांदपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शामिल अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली कि एक आदमी चोरी की मोटरसाइकिल लेके इधर निकल रहा है, तो उसको अम्बेडकर चौक पर रोका गया, वहीं पर चेकिंग शुरू हो गई, आदमी आते भागा, इसको दौड़ा पकड़ लिया गया। इसके पास से एक चोरी मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसके बारे में इसने बताया था, इसको हमने परसों जामा मस्जिद की बगल वाली गली से इसको चुराया था, अब बेचने के लिए ले जा रहे थे। और इससे पूछताछ की गई कि इसने एक और मोटरसाइकिल 3 दिन पहले चोरी करने बताया, अब बताया था उसको पुरानी मंडी समेत के खंडहर में छुपा रखा हूँ, तो जाके जब देखा गया तो एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वहाँ भी मिली। बिजनौर जिले के थाना मंडवार क्षेत्र के गांव नारायणपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि सभी लोगों ने पुलिस से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाया है।
पुलिस द्वारा न तो उनको थाने पर लाया गया था, न ही प्रताड़ना किया गया था, लेकिन पंचायत ऐसा बताया गया है सामाजिक लांछन एवं शर्मिंदगी की वजह से इनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था, डॉक्टरों द्वारा मेरठ रेफर किया गया है, उनका चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी को संपूर्ण प्रकरण की जांच दी गई है, जांच के आधार पर अगर कोई गलती पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका लड़का गलती बता के ले गया था, तो इसीलिए मैंने दवा खा ली, कुछ वो भी टॉर्चर कर रहे थे पुलिस वाले। अच्छा, चुनर ने भी फोन किया करके पुलिस वाले। हाँ जी, अच्छा, वो फिर जो लड़के वाले थे वो भी टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने दवा खाई। जिनके साथ में आप आए हैं ये आपके क्या लगते हैं? ये चाचा लगते हैं। तो ये क्या हुआ, जहर खाया क्या? दवा खाई है। कहाँ से ली थी दवाई? पता नहीं कहाँ से ली है, पता ही नहीं है। तीन मरीज भी थाना बंडावाड़ी में आए हैं, जिनमें से एक जेंट्स है, एक उनकी पत्नी है, एक उनकी बिटिया है। इन तीनों का जो उपचार दिया जा रहा है, इनको संभावित सल्फास पॉइजनिंग है और बेहतर से बेहतर इनको ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन हालत अभी तीनों की गंभीर बनी हुई है, जिसके लिए इनको मेरठ रेफर किया जा रहा है।